सर कैन आई कॉल यू इन 5 मिनट्स? या सर श्योर सर जी सर, मैं रिपोर्ट भेज दूंगा आपको। ओके सर, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? साहब, मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए आई हूँ। मैंने सुना है प्राइवेट स्कूल में सरकार की तरफ से गरीब बच्चों के लिए कुछ जगह होती है, उसी में साहब। हाँ जगह तो होती है, लेकिन हर गरीब के लिए नहीं होती। मेरा बेटा बहुत अच्छा है पढ़ने में। आप डू यू नो इंग्लिश? क्या सर? अंग्रेजी नहीं आती मतलब है? साहब मेरे बेटे को आती है, मैं बुला के लाऊं उसको? बाहर ही बैठा है। अरे बैठ जाओ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ कि अगर मैंने तुम्हारे बेटे को एडमिशन दे भी दिया तो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करूंगी? 5 से 6 हज़ार का खर्चा है महीने का, कर पाऊंगी? हाँ सर, सर हम कर लेंगे ना, मैं और मेरे पति हम दोनों कमाते हैं, कर लेंगे सर। अरे यार तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं देना चाहते हम तुम जैसे लोगों को एडमिशन। कोई स्टैंडर्ड है हमारे स्कूल का? दो गली छोड़कर एक छोटा स्कूल है, वहाँ जाओ और करा लो अपने बेटे का एडमिशन। सर सरकार ने तो, यहाँ की सरकार हम ही है समझे, और सरकार का फैसला ये है कि नहीं मिलेगा तुम्हारे बेटे को एडमिशन, जाओ। सर एक बार, अरे जाओ यार, समझ नहीं आ रहा कि तुमको जाने को बोल रहे हैं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, तू क्या कर रही है यहाँ? तू तो अपने बेटे के एडमिशन के लिए गई थी ना? हाँ वो मैं गई थी, पर मैं जल्दी आ गई। फिर कैसा रहा? उन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया। मना कर दिया मतलब? उन्होंने कहा कि हम गरीबों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम अपने बच्चों को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा सकें। ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो? छोड़िए ना मैम साहब, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारी गलती है, हम छोटे लोग ना इतना बड़ा सपना देख लेते हैं। आज मेरे बेटे का भी एडमिशन इंटरव्यू वहीं पे है, लेकिन उन लोग का ये एटीट्यूड है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पे एडमिशन करवाना चाहिए। नहीं नहीं मैम साहब, मेरी वजह से आप क्यों नहीं करवाएंगी? हम गरीब हैं ना, हमारे साथ ऐसा होता है, आपके साथ थोड़ी होगा। आप बिल्कुल बाबा का एडमिशन करवाइए। अच्छा चलो ठीक है, तुम आओ। नहीं वो सोनू का हो नहीं पाया वहाँ पे। क्यों? उन्होंने कहा हमारी हैसियत नहीं है। तुम रो रही हो ना? नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, बस थोड़ा सा गला खराब है। मैं आपको करती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बाय। अरे नाम है जी आप, आइए आइए। अब खामखा तकलीफ करी आपने यहाँ तक आने की, बड़े साहब का फोन आ गया था मेरे पास आज सुबह ही आपके बेटे के एडमिशन के लिए। हाँ वो मुझे लगा मिलकर बात करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जी ये भी ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं इनका फॉर्मेलिटी के लिए। श्योर। ये लो बेटा क्वेश्चन पेपर। ओके टेस्ट। भाई वाह नाम है जी, बहुत ही ब्राइट बच्चा है आपका। इसके लास्ट टाइम भी 95% आए थे। 95%? ये बच्चा तो जेम है हमारे स्कूल के लिए, और सच बताऊँ हमारे स्कूल को ना ऐसे ही स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। अब आप ये बस एडमिशन फॉर्म फिल कर दीजिए और समझिए कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया। बच्चे आपके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम? कमाल मजाक करती है नाम है जी। आपको अपने हस्बैंड का नाम नहीं पता? नहीं एक्चुअली ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी मेड का बेटा है। मेड का बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। आपको शायद याद नहीं होगा, आज सुबह एक लेडी आई थी अपने बेटे के एडमिशन के लिए, और आपने एडमिशन के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो दिखने में गरीब थी।
और वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। ये उन्हीं का बेटा है। पर नामे जी, हम ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। क्यों ना, मैं स्कूल को काफ़ी प्रेस्टिजियस समझती थी। मुझे नहीं पता था ये स्कूल इतना नैरो माइंडेड है, जो लोगों को उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे जज करता है। चलो सही है, इस बच्चे का यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ, अच्छा है। चलो बेटा। मैं आपके बेटे और इस बच्चे दोनों को स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे बच्चों से तो आपके स्कूल का स्टैंडर्ड कम हो जाएगा ना। आई एम सॉरी नाम्या जी, एक्चुअली मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, लेकिन इतने बड़े स्कूल का एडमिन बनने के बाद शायद मैं अपना हार्डवर्क और मेहनत दोनों ही भूल गया और हर गरीब बच्चे को नॉन डिजर्विंग समझने लगा। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, ये बच्चा स्कूल में एडमिशन डिजर्व करता है और इसे एडमिशन ज़रूर मिलेगा। अच्छा, आपको रियलाइजेशन हो गई, वरना इतने ब्राइट स्टूडेंट का फ्यूचर काफ़ी ख़राब हो जाता। यू आर राइट नाम्या जी। बस बेटा बस, कल से स्कूल आना तुम्हें, ठीक है? जाओ तैयारी करो जाकर। मम्मा मम्मा देखो ये पेपर। ये क्या है? मम्मा ये मेरा एडमिशन लेटर है, मेरा एडमिशन हो गया। हाँ थैंक यू दीदी। Education should not be provided to only privileged class. If a country has to prosper and grow, then education should be for all. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.